नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। यूपी और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर एक नए अंदाज में लेकर हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे यूपी और उत्तराखंड के हर शहर कस्बे की खबर। बिल्कुल आयुषी, और खबरों में रफ्तार भी होगी और धार भी होगी। हर खबर पर हम करेंगे विस्तार से बात। आप देखेंगे राजनीति से लेकर जन सरोकार तक की हर खबर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। चलिए अब आपको बताते हैं यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दिनेश खटीक दरअसल अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं और अब तक उनके विभाग में काम का बंटवारा नहीं हुआ है। साथ ही कुछ समय पहले उनके समर्थकों की थाने में कंप्लेंट भी नहीं लिखी गई थी, जबकि दूसरे पक्ष की कंप्लेंट लिख ली गई थी। हालांकि अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। दिनेश खटीक का फोन लगातार बंद है, वो मंत्री परिषद की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा कुल 5 लोगों को भेजा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। अपने इस्तीफे में उन्होंने अधिकारियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। पत्र में लिखा कि उनके विभाग के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष उनकी नहीं सुनते हैं, जिस बात से वो काफी नाराज है। हालांकि इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन लगातार फोन स्विच ऑफ है, जिसकी वजह से बातचीत नहीं उनसे हो पा रही है। और मंत्री परिषद की जो बैठक हुई थी दिनेश खटीक उसमें भी नहीं पहुंचे। अपनी उपेक्षा से वो बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। तो बिल्कुल उनके विभाग में काम का बंटवारा नहीं हुआ, ये सूत्रों से फिलहाल खबर मिल रही है। और दिनेश खटीक का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में वो शामिल नहीं हुए। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। और पत्र में उन्होंने अधिकारियों से अपनी नाराजगी की बात भी कही है। लगातार उनसे बात करने की कोशिश एबीपी गंगा कर रहा है, लेकिन फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो ये तमाम वो कारण है जिनके कारण ये माना जा रहा है कि दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर। और लगातार आपको ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि इस्तीफा दिनेश खटीक ने दिया है। वो फिलहाल किसी से बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन कोशिश है कि आखिर ग्राउंड पर चीजें क्या चल रही हैं वो हम आपको बता पाए। और हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो कि बताएंगे कि इस वक्त पूरी स्थिति क्या है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं, तनुज शर्मा मेरठ से दिनेश खटीक की आवाज से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले विवेक, आप ही के पास आऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन दिनेश खटीक का फोन स्विच ऑफ है, क्या उनके बारे में कोई जानकारी आई है? इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन नाराजगी के पहले क्या कोई बातचीत हुई या सीधे इस्तीफा उन्होंने दिया? जय, देखिए दिनेश खटीक की नाराजगी बहुत दिनों से चल रही थी और लगातार वो जल शक्ति विभाग में कुछ तबादले होने थे, कुछ इंजीनियरों के तबादलों के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन जल शक्ति विभाग के प्रमुख सचिव जो है अनुराग श्रीवास्तव और सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं, दोनों से नाराजगी चल रही थी और उनका कहना था कि दोनों ही उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रजेश पाठक ने भी, डिप्टी सीएम ने भी यही बात उठाई थी। जो स्वास्थ्य विभाग में तबादले हुए थे, उन्होंने कहा था कि बिना उनकी जानकारी के तबादले कर दिए गए। तबादले एक वजह हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो पिछले कई दिनों से कुछ वजह छोटी छोटी लगातार चल रही, मेरठ में याद होगा दलित की पिटाई हुई थी, उसके बाद वो थाने गए थे, थाने में उनकी एफआईआर नहीं हुई थी। उन्होंने बड़ा विरोध किया था कि एक राज्य मंत्री स्तर का जो मंत्री है, नेता है, वो अगर थाने जाता है तो उसको पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे। यानी छोटी छोटी बातें, तबादले होते हैं। उन्होंने एक सूची दी इंजीनियरों की कि जल शक्ति विभाग में कहा कि इनको ट्रांसफर किया जाए और उस सूची पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी स्थितियां थीं। तो कल उन्होंने सुनील बंसल से मुलाकात की जो संगठन मंत्री हैं, उसके बाद तमाम लोगों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। उनके घर के आवास के बाहर ही खड़ा हूं, लेकिन वो घर पर नहीं है, ना उनके घर के बाहर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। हाँ, कुछ कर्मचारी ज़रूर मिले जिन्होंने जानकारी से इनकार कर दिया कि वो यहाँ हैं या नहीं है, लेकिन कल ही उन्होंने अपने जो गनर थे सरकारी और गाड़ी थी वो छोड़ दी थी। ये बता रहे हैं कि इस समय मेरठ में हो सकते हैं या
कहाँ है, कर्मचारियों को कोई भी जानकारी नहीं है कि दिनेश खटीक कहाँ है। लेकिन उनके तबादले से सियासत गर्म हो गई है, हड़कंप मच गया है। कल रात से ही तमाम जो मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे विधायक और मंत्री जितने हैं, विपक्ष के भी विधायक एक दूसरे को फोन करके चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तबादलों की पुष्टि नहीं हुई है। माफ कीजिएगा, अभी जो उनका इस्तीफा है उसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुष्टि राज्यपाल के कार्यालय से भी नहीं की गई है। जो प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव सूचना है नवनीत सहगल, उन्होंने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और 5 लोगों को इस्तीफा दिया है, यानी मुख्यमंत्री को दिया है, राज्यपाल को दिया है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है और गृह मंत्री अमित शाह को, 5 लोगों को इस्तीफा भेजा है उन्होंने। अब दिनेश खटीक कहाँ है, पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, वो उनको दूर आए क्या, दूर सनुज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से विवेक ने यहाँ पर जानकारी दी है कि अपने घर पर वो मौजूद नहीं है, आप उनके घर के बाहर मौजूद है, क्या किसी प्रकार की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, जो राज्य मंत्री दिनेश खटीक हैं वो गंगानगर में रहते हैं और उनके ठीक आवास के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन यहां किसी तरह की जो कोई हलचल है वो यहां पर नजर नहीं आ रही। देखिए, उनका बोर्ड लगा हुआ है आवास, दिनेश खटीक राज्य मंत्री जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण। यहां गाड़ियां जरूर खड़ी हुई हैं, लेकिन ये कह पाना कि दिनेश खटीक यहाँ पर हैं या नहीं है, चूंकि उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो लंबे समय से, और कल से ही अगर कहें, कल शाम से ही उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो स्विच्ड ऑफ है, कोई इस तरह की बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। उनके जो लोग साथ में रहते हैं उनसे भी बातचीत की गई, लेकिन कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा दिया है या नहीं है। देखिए, दिनेश खटीक की अगर मैं बात करूँ, साफ कहने के लिए जाने जाते हैं, अगर कोई बात बुरी लग जाती है तो सीधे मंच से भी कह देते हैं, कभी इस बात से गुरेज नहीं करते हैं। लगातार वो लंबे समय से उपेक्षा का शिकार है। आप ये खुद सोचिए कि एक मंत्री है, जनता ने वोट दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि दिनेश खटीक के लिए आप देखिए कि हस्तिनापुर के रण में वो दोबारा विजयी हुए हैं, एक इतिहास उन्होंने बनाया है। एक लंबे अरसे बाद, कई दशक बाद अगर देखा जाए तो दोबारा बीजेपी वहां पर जीती है, मंत्री उनको दोबारा बना दिया गया, लेकिन जो कद उनका होना चाहिए था वो कद उनको नहीं मिला। इसी वजह से उनकी नाराजगी यहां पर लगातार देखने को मिल रही थी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, एक टेंट कारोबारी है कोमल, और उस कोमल टेंट कारोबारी से आरोप लगता है कि पुलिस वाले मारपीट करते थे। एक आकाश और विकास नाम के दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगता है कि मारपीट की जाती है, जाति सूचक शब्द कहे जाते हैं और उससे पैसे भी कहीं ना कहीं लूट लिए जाते हैं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक इस मामले में गंगानगर थाने को फोन करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। अब आप सोचिए कि जिस शख्स ने वोट दी है, तमाम लोग यहां पर जनता दरबार इसी राज्य मंत्री दिनेश खटीक के आवास पर लगता है, वो जनता दरबार में आया और जब मंत्री ने दोबारा फोन किया तो फिर उनकी नहीं सुनवाई हुई। मजबूरी में रात के वक्त मंत्री को गंगानगर थाने में जाकर बैठना पड़ा 2 घंटे। अगर योगी सरकार का मंत्री गंगानगर थाने में सिर्फ इसलिए बैठा है कि एक उनके कार्यकर्ता के ऊपर, एक उनके वोटर के ऊपर इस तरह की चीजें हुई और उसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा है, तब भी नहीं सुनी गई और उसके बाद वो नाराज है। और अब देखने वाली बात है कि क्या कुछ प्रतिक्रिया दिनेश खटीक किस पूरे मामले पर आती है, इंतजार इसका रहेगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी साझा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी विभाग में हाल ही में जो तबादले में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, इसके बाद से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है और अब तक की गड़बड़ी को लेकर अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया, जांच के बाद अभी कई सारे और अधिकारी रडार पर हैं और इन पर भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, तो अगर अभी तक की कार्रवाई की बात की जाए तो मंत्री के ओएसडी के बाद विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता पर कार्रवाई हुई है। ईएनसी पीडब्ल्यूडी मनोज गुप्ता सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना भी निलंबित किए गए हैं। शैलेंद्र यादव जो कि वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर हैं पीडब्ल्यूडी, वो भी निलंबित है। पंकज दीक्षित जो कि पीडब्ल्यूडी के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी निलंबित हैं। और इससे पहले पीडब्ल्यूडी के प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी निलंबित किया गया था। यूपी के सरकारी विभागों में ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कैसा खेल चलता है, इसकी तस्वीर इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग से सामने आई है। मामला तब सुर्खियों में आया जब सीएम योगी ने विभाग के मंत्री जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे को पद से हटा दिया। यानी सीएम समझ गए थे कि सरकार की छवि की चिंता छोड़कर अधिकारी टेबल के नीचे से अलग ही खेल कर रहे थे।
दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर को लेकर अनियमितताएं सामने आई थी। सीधे शब्दों में कहें तो इंजीनियर्स और अफसर्स के तबादले में धांधली हुई थी। इस पर विवाद बढ़ा तो सीएम ने जांच के आदेश दिए। इसकी जांच के लिए 3 आईएएस अफसरों की कमेटी बनाई गई थी और अब विभाग के ओएसडी को पद से हटाने के साथ ही 6 अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है, जबकि कई और अधिकारी रडार पर हैं जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। अनिल कुमार पांडे जो उनके खास ओएसडी हैं, वो उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने खुद बुलाया था और काफ़ी उनके पुराने परिचित हैं, पहले से परिचित रहे हैं और उनके कहने पर ही ओएसडी बनाए गए थे। ओएसडी के साथ ही इसमें तमाम अन्य लोगों के भी नाम आ रहे हैं। सबसे पहला नाम है पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष मनोज गुप्ता का, एक प्रमुख अभियंता भी हैं और एक स्टाफ अफसर भी हैं। इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति कर दी गई है और किसी भी समय इन तीनों को भी जो जांच है उस जद में लाया जा सकता है कार्रवाई की संस्तुति। जिन अधिकारियों पर गाज गिरी है उनमें मंत्री के ओएसडी के बाद विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता शामिल हैं। इनके अलावा ईएनसी पीडब्ल्यूडी भी सस्पेंड किए गए हैं। साथ ही प्रमुख अभियंता राकेश कुमार सक्सेना, शैलेंद्र यादव जो कि वरिष्ठ स्टाफ अफसर पीडब्ल्यूडी हैं, वो भी निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा पंकज दीक्षित, प्रशासनिक अधिकारी पीडब्ल्यूडी, निलंबित किए गए हैं। जांच के बाद सरकार ने सभी को निलंबित किया है। इससे पहले कल देर शाम पीडब्ल्यूडी के प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी निलंबित कर दिया गया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या जितिन प्रसाद इस घपलेबाजी से पूरी तरह अंजाम थे। सवाल इस वजह से बड़ा है क्योंकि जितिन प्रसाद की नाक के नीचे ही ये सब हो रहा था। क्या बिना मंत्री की अनुमति के ही ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर जारी कर दी गई? जांच भी तब हुई जब सीएम योगी के संज्ञान में ये मामला आया। बड़ी बात तो ये भी है कि जब जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहते हुए केंद्र में मंत्री थे तब अनिल कुमार पांडे जितिन प्रसाद के ही विभाग में तैनात थे। योगी सरकार में जब जितिन प्रसाद मंत्री बने उसके बाद ही अनिल कुमार पांडे ने यूपी में पोस्टिंग का आवेदन किया, यानी खिचड़ी बहुत अंदर तक पक रही थी। अब माना जा रहा है कि ये कार्रवाई तो बस शुरुआत है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के मामलों पर शुरुआत से ही सख्ती दिखाई है और इतना तो साफ है कि उनके रहते ऐसे मामले होंगे तो वो ज्यादा दिनों तक कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवेक त्रिपाठी, लखनऊ, एबीपी गंगा। और चलिए बात करेंगे समाजवादी पार्टी और भाजपा की, जिसके बीच में गठबंधन की गांठ अब खुलती हुई नजर आ रही है। अब राजभर परिवार अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ गया। भाजपा महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अखिलेश के ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि 1,63,000 लोगों ने देश छोड़ा और क्यों छोड़ा ये देश के सामने आना चाहिए और इसके लिए आपको एसी वाला कमरा छोड़कर सड़क पर आना होगा। सिर्फ ट्वीट करके जानकारी देने से काम नहीं चलेगा, लड़ाई जमीन पर लड़नी होगी। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा, कृपया ऐसे सलाह के रूप में ना ले, हर कार्यकर्ता की मांग है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले लोगों को लेकर एक निजी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट ट्वीट की थी, जिस पर अरुण राजभर ने निशाना साधा है। तो ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं अरुण राजभर का, जिसमें अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने तमाम बातें की। तो एक तरफ ओपी राजभर अखिलेश यादव से नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सरकार में मंत्री संजय निषाद ने ओम प्रकाश राजभर को भाजपा के साथ आने का ऑफर दे दिया है। बिल्कुल, तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है, वो अगर भाजपा में आएंगे तो परिवार नहीं बल्कि बेटे की बात छोड़ दीजिए, जो भी सदस्य है, जो भी कार्यकर्ता है, उनके समायोजन का अवसर भी मिलेगा। अखिलेश और राजभर की गठबंधन वाली दोस्ती में दरार क्या पड़ी? एक दूसरे की राहें मुड़ गई। दोनों दल औपचारिक तौर पर अलग होते उससे पहले ही सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर को
भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी का निमंत्रण मिल चुका है। ऑफर भाजपा के साथ वाली नई दोस्ती का, क्योंकि अभी दो दिनों पहले ही ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर गठबंधन के सहयोगी सपा को संकेत दे दिया है कि तुम साथ नहीं तो भी कोई बात नहीं। कैसे? राजभर के अखिलेश पर इस निशाने से समझिए। अखिलेश यादव जी सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर के जिंदा हैं, बीजेपी का भय दिखाते हैं मुसलमानों को, मुसलमान भय के नाते वोट उनको देता है। जिस दिन मुसलमान समझ गया है ये सिर्फ वोट लेने के लिए भय दिखाते हैं बीजेपी का नाम लेते हैं बीजेपी का, और जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है तब ये नहीं बोलते हैं। ओम प्रकाश राजभर को सहयोगी दलों से क्रोध इसलिए भी है क्योंकि उनके बेटे को विधान परिषद में नहीं भेजा गया, जबकि जयंत चौधरी इसी गठबंधन धर्म को निभाकर राज्यसभा पहुंच गए, इसलिए राजभर सहयोगी दलों पर लाल पीले दिखते हैं। जैन जी उनके साथ हैं, बड़े नेता हैं, भाई हैं, क्या उन्होंने एक बार भी अखिलेश जी से ये नहीं कहा कि 8 सीट हम जीते हैं हमको आप राज्यसभा दे रहे हो तो गठबंधन धर्म निभाने के लिए एमएलसी का चुनाव हो रहा है तो 1 सीट भारतीय समाज पार्टी को दे दो, क्या उन्होंने अखिलेश जी को समझाया? अब ओम प्रकाश राजभर के इस दर्द को अगर किसी ने समझा है तो वो है खुद को उनका छोटा भाई कहने वाला और सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। संजय निषाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजभर भाई ने जो समर्थन दिया मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और समाज की सेवा करें। वो आएंगे तो बेटे की बात छोड़ दीजिए, उनके साथ जो भी और भी सदस्य हैं वो जो उनके साथ कार्यकर्ता हैं उनको भी समाज में का अवसर मिलेगा और कहाँ मिलेगा। अरे पावर के साथ रहेंगे, सत्ता के साथ रहेंगे तो समाज को सुख देंगे और समाज की समृद्धि करेंगे, समाज को समरसता लाएंगे, और सब सत्ता से बाहर रहेंगे तो दुख के अलावा क्या मिलने वाला है। पावर तो भाजपा के पास है। आखिर राजभर भी भाजपा में आने को लालायित क्यों दिखते हैं, जरा इसका भी समीकरण समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की 2 सीटों पर 11 अगस्त को चुनाव होना है। इसके अलावा विधान परिषद की 6 सीटें जिस पर राज्यपाल को सदस्यों का मनोनयन करना है वो भी खाली होंगी, जबकि 13 सीटें 5 मई 2024 को खाली होंगी। ऐसे में अगर किसी को विधान परिषद जाना है तो उसे अभी से प्रयास करना होगा। जाहिर है ओपी राजभर इसी जुगत में जुटे हैं ताकि बेटे की नैया निषाद पार्टी के जरिए ही सही पार लग जाए। अनुभव शुक्ला, लखनऊ, एबीपी गंगा। और चलिए बात करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की, जिन्हें लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होने वाली है। और आपको बताएं कि 22 साल पहले छात्र नेता की हत्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अंतिम सुनवाई होगी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आरोपी है। और आपको ये भी बता दें कि 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की गोली मारकर तिकुनिया में हत्या हुई थी जिसमें 4 नामजद हुए थे। 29 मार्च 2004 को गवाह होने के बाद भी लखीमपुर न्यायालय से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को दोष मुक्त कर दिया। दोष मुक्त होने के बाद इस आदेश को फिर से कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। और चलिए इस बीच आपको रायबरेली से एक बड़ी खबर दे दें। रायबरेली में सड़क हादसे में 5 लोगों की जान जा चुकी है। कार और ट्रक की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ है। हादसे में जान गंवाने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं, इस बात की भी जानकारी है। जेसीबी की मदद से जो लोग फंसे हुए थे अंदर उन्हें बाहर निकाला गया है। भदोकर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। दरियापुर चौराहे के पास हादसा हुआ,
5 लोगों की जान हादसे में जा चुकी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त घटना घटी, उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो रायबरेली का पूरा मामला है, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना पर आज एक अहम सुनवाई होने जा रही है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और अग्निपथ योजना के विरोध में कई प्रदर्शन हुए हैं। भर्ती योजना को लेकर लगातार विरोध होता जा रहा है और आज अहम सुनवाई होनी है अग्निपथ योजना पर। आज दिल्ली हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। लगातार देखा आप लोगों ने किस तरीके से देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन आज एक अहम सुनवाई होने वाली है, हाई कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। और अब बात गाजियाबाद के रहने वाले आर्यन की कर लेते हैं, जिसकी सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। दरअसल आर्यन गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता है। उसके अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उसने अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हुए आग को बुझा दिया और अपार्टमेंट में रहने वाले कई लोगों की उसने जिंदगी बचा ली। अगर अपार्टमेंट में आग और बढ़ती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो आर्यन की बहादुरी को सलाम। बड़ा हादसा होते होते टला, अपार्टमेंट में अचानक से आग लगी थी और अपनी सूझबूझ से अग्निशामक यंत्र से अपार्टमेंट की आग को आर्यन ने बुझाया और हर कोई आर्यन की इस बहादुरी की तारीफ कर रहा है। वसुंधरा सेक्टर 10 एक बिल्डर फ्लैट में के बेसमेंट में आग लग गई और आग लगने से अचानक अफरा तफरी मच गई। रात्रि तकरीबन 2 बजे की घटना है। तभी 10वीं क्लास के एक छात्र आर्यन बेसमेंट में नीचे पहुंचते हैं और आग बुझाने का कार्य करते हैं। आर्यन क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था यहाँ पर? जी मैं मेरे पेपर्स ख़त्म हुए थे और मैं रात में सोचा कि मैं थोड़ी देर जगूं और थोड़ा सा टाइम लूं, अपना को टाइम लूं और मैं गेम खेलने लगा। तो अचानक से जब गेम खेला था तो शाफ्ट में से आवाज़ आने लग गई और जैसे ही हम बाहर निकले तो देखते हैं कि बहुत धुआं हो रखा है और नीचे की स्टेयर्स नहीं दिख रही हैं और सारी औरतें आदमी सब भाग रहे हैं इधर उधर। मुझे उस दिन स्कूल में ट्रेनिंग मिली थी कि एक्सटिंग्विशर को कैसे चलाते हैं। तो कौन सी ट्रेनिंग मिली थी, कोई फायर विभाग की तरफ से आया था? नहीं, ऐसे कोई नहीं आया था, एक गार्ड ने ही ट्रेनिंग दी थी। तो उससे ट्रेनिंग मिली और उनको पता था तो मैंने उस दिन सीखा और वहाँ एक्सटिंग्विशर रखा हुआ था, मैंने उतारा उसको, जो भी सिखाया था उन्होंने मुझे, मैंने वो सब किया, पिन निकाले, उसका हैंडल लॉक खोला और मैं तुरंत उसको लेके नीचे भाग गया। तो मैं यहाँ आके मैंने एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू किया और एक्सटिंग्विशर जैसे ही उधर गया उस पॉइंट पे तो रुका, फिर अचानक से एक और बड़ा सा धमाका हुआ और सारा मेरे चेहरे पे आया, मेरे पूरे शरीर पे आ गया और मैं 10-15 कदम पीछे हो गया। फिर मेरे पापा, एक अंकल और उनके बेटे आए, उनके हाथ में भी एक्सटिंग्विशर था, तो मैं उनको साथ में लेके गया और मैंने उनके साथ बुझाया सारा एक्सटिंग्विशर था और आग लगी हुई थी क्योंकि कनेक्शन कटा नहीं था, इस वजह से आग लगी हुई थी। तो आर्यन एक निडर बच्चा और इस बात की सराहना सब कर रहे हैं क्योंकि कई फैमिलियों की आर्यन ने जान बचाई। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।